और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाई जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने यहां पर निर्देश जारी किए हैं। 22 जनवरी को बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज। 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सभी सरकारी भवनों को सजाया जाए, मुख्यमंत्री ने यहां पर इस बात को कहा है। आतिशबाजी के भी प्रबंध किए जाएं। अयोध्या में लागू करें स्वच्छता का कुंभ मॉडल। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री प्रारंभ करेंगे स्वच्छता अभियान। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परखी प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। कहा सफाई और सुरक्षा से समझौता नहीं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पहले से ही तय होना चाहिए वीवीआईपी के विश्राम स्थल। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराने के लिए तैनात करें टूरिस्ट गाइड। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। संकेत, 22 तारीख को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होगी, इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। आपने आज अयोध्या में बैठक की और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय उत्सव के रूप में यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी